मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के निर्देश और रियायत के बाद झारखंड में ईंट भट्टों में काम शुरू हो चुका है। हालांकि काम जो है अभी बेहद कम है, 200 ईंट भट्टे लगभग जो है रांची के आसपास ही है, झारखंड में इसकी संख्या और ज्यादा है, लेकिन एक ईंट भट्टे से लगभग 200 परिवार का रोजी रोटी चलता है, उनके घर में चूल्हे जलते हैं। और ऐसे घरों में जो सामने हमारे ठीक सामने जो घर दिख रहे हैं वैसे घरों में वो रहते हैं। हम सामने दिखाना आपको चाहेंगे, जो देखिए उनके परिवार हैं, इनके परिजन हैं, छोटे बच्चे हैं और सबकी रोजी रोटी, सबका पेट इस ईंट भट्टे से चलता है। 200 परिवार में ज़्यादातर लोग जो है बाहर से आते हैं, बिहार और यूपी के लोग जो है इस कला में पारंगत होते हैं, ईंटा पकाने और ईंटा को इस सांचे से बनाने में। देखिए सांचे से किस तरह से जो है ईंटा इन्होंने बनाया और ये जो है डाल दिया। अब लॉकडाउन था, 22 मार्च के जनता कर्फ्यू के बाद लगातार जो है लॉकडाउन था, तो इनकी रोजी रोटी किस तरह से चल रही थी और ये कहाँ के हैं इनसे बात करते हैं। नाम क्या हुआ आपका? पंकज कुमार। कहाँ घर है? गया जिला। तो ये गया से हैं, तो कितना परेशानी हुआ? ये जो अभी लॉकडाउन था, एक महीना से ज्यादा का समय बीत चुका है, तो कैसे आप लोग का घर का चूल्हा जल रहा था? क्योंकि काम तो यहाँ हो नहीं रहा था। नहीं। तो फिर कैसे खाना होना खाते थे? ऐसे ही लाता था उन्हें जलान चुन चान के। जलान वलान मिलते थे, कोयला वोला निकाल उकाल के ऐसे बनाते हैं। अच्छा, और परिवार आपके बाहर भी है कोई? नहीं, सब कोई आप लोग यही आ गए हैं। हाँ। कितने दिन काम करते हैं यहाँ पे? छह महीना। हाँ। ये कौन है? ये पत्नी। नाम बताइए आप अपना। मेरा नाम पूजा है। कितना कमा लेते हैं आप लोग मिलके? 250 एक दिन में कमाते हैं। तो वो तो आप लोग का खाने पीने में ही चला जाता होगा, तो अभी तो परेशानी हुआ लॉकडाउन जो था, काम नहीं हो रहा था तो। हाँ सर, वो परेशानी हुआ। अब देखिए जो ईंट भट्टे के मालिक हैं मुखराम सिंह जी, वो भी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि कैसे जो है इनका काम चला और अभी इनको क्या परेशानी हो रही है इसको ऑपरेशनल करने में। ईंट भट्टे को आपको क्या परेशानी हो रहा है अभी? ईंटा भट्टा आज से चालू किए हैं। हाँ, तो सब रॉ मटेरियल आपके पास है? बहुत कम, नहीं बालू वगैरह नहीं है। बालू नहीं है? नहीं। यहाँ कितने परिवार लोग को जो आप लोग 200 लगभग रोजगार दिए हुए? 200 लगभग ज्यादातर लोग बिहार के। ये तो अभी जब लॉकडाउन हुआ था तो हेल्डअप हो गए हैं, तो कैसे उनको कर रहे थे आप? अपना हिसाब से कुछ मजदूरी अपने हिसाब से हम लोग को देते थे, जो खुराकी वगैरह खाने के लिए, खाने वाने के लिए मिल रहा था। हाँ, खाने का कोई समस्या नहीं? नहीं कोई समस्या नहीं। अच्छा, खाना पूरा। अब आपको कितना नुकसान हुआ और अब कैसे उसको मेकअप करने का सोच रहे हैं? नुकसान मेकअप इस बार नहीं हो पाएगा। हाँ नहीं, नुकसान। कितने दिन काम चलता है? अगर ज्यादा काम करेंगे तो एक महीना और चलेगा। नहीं नहीं, अगर काम अगर दिन रात करते हैं तो भी जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई नहीं? अब नहीं हो पाएगा। अब नहीं हो पाएगा? अब नहीं हो पाएगा, चला गया समय। और अभी समस्या क्या क्या हो रहा है प्लांट को चलाने में? बालू जिसे नहीं मिल रहा है, सरकार के यहाँ से बालू बंद है, बालू नहीं है, उसके बिना ईटा के बालू को बनता नहीं है। हाँ, ईटा तो बालू रहेगा तबे बनेगा। हाँ, और बालू मिल नहीं रहा है। सरकार से आप लोगों का कोई प्रतिनिधि मंडल मिला, बात किया आपने? बात तो नहीं किया है अभी तक। हाँ, बात नहीं किया है। अगर आपका काम नहीं चलेगा तो फिर मजदूरी भी आप नहीं दे पाएंगे? नहीं, मजदूरी तो लाचारी, इसको तो भोजन पानी हमको देना पड़ेगा। नहीं नहीं, लेकिन आपका रोजगार नहीं चलेगा तो कितने दिन? परेशानी तो बहुत है। परेशानी है बहुत है। और ये आप बताइए आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम गुड्डू है सर। आपके पिताजी कहाँ हैं? पिताजी घर पे हैं। घर पे हैं? हाँ। मैंने घर आपका कहाँ हुआ? गया जिला। तो वहाँ कितने लोग हैं आपके? गया में खाली पापा है। हाँ, और कोई नहीं है। तो उनका जीवन कैसे चल रहा है जब आप यहाँ हैं और अभी लॉकडाउन हुआ तो पैसे क्या करें, मजबूरी में फंसा है तो क्या कर सकते हैं। उनका खाना पीना कैसे चल रहा था? चल रहा, अपने खा रहा, गांव वाला खिलाता होगा, वही सरकार की तरफ से भोजन मिल रहा है, वही खा रहा है। बिहार में खाना मिल रहा है। अच्छा, वही खाता होगा। आपको आपसे आपकी बातचीत हुई उनसे कोई? हाँ, फोन तो करता है, बातचीत हुई है। मतलब ठीक से है वो? हाँ ठीक से है, खाना पीना खा। क्या नाम बताया आपने? गुड्डूरा। तो देखिए इन्हें इस बात का संतोष है कि इनके पिता जो हैं वो गया में हैं, लेकिन फोन पे इनकी लगातार बातचीत होती थी और जो है उन्हें कोई परेशानी नहीं है, भोजन वगैरह की कोई परेशानी उनको नहीं हुई। और देखिए ईंट भट्टे में जो है ईंट ये तैयार है, लेकिन जो है अभी इसको पकाया नहीं जा सका है। बहुत सारे मजदूर जो हैं जिन्हें मौका मिला वो बाहर निकल गए, लेकिन यहाँ जो रहते थे वो फंसे हुए थे। उनको खुराकी जो है यानी भोजन जो है वो मालिक के तरफ से तो मिल जाया करता था। कुछ लोग जो है
कहीं से कुछ जुगाड़ भी कर लेते थे, लेकिन उन्हें भी भारी नुकसान हुआ है। एक दिन में बताया जाता है कि लगभग जो है 600-700 रुपया 1000 ईंटा बनाकर वो कमा लेते थे, लेकिन अगर उन्हें अगर मान लीजिए कि एक महीना अगर नुकसान झेलना पड़ा तो ऑन एन एवरेज सभी को 15000 से ऊपर की नुकसान हो चुकी है। अब आप ये देखिए, यहाँ पे एक महिला है, वो भी काम में जुटी हुई हैं, और इनके साथ विडंबना ये है कि इनके हस्बैंड जो हैं वो गया में फंस गए हैं लॉकडाउन में। क्या नाम है आपका? रेनू देवी। रेनू देवी, कहाँ है आपके हस्बैंड? साथ ही में रहते थे? साथ में रहते थे, बाकी चला गया घर। कितने बाल बच्चे हैं आपके? हमको 8 बाल बच्चा है। 8 बाल बच्चे हैं? तो कैसे चल रहा है? इतना दिन जो नुकसान हुआ, कैसे खाना होना कैसे खाया? सब मालिक खिला रहे हैं, हम लोग काम करते हैं मालिक। लेकिन कमाई तो आपकी खत्म हो गई? हाँ, पूरा खत्म हो गया हम लोग का। एक दिन में लगभग 600-700 रुपए कमाते हैं ना आप लोग? हाँ, 1000 ईटा बना के। हाँ, 1000 ईटा हम लोग काटते हैं। तो अभी आपके हस्बैंड से आपकी बात हो रही है? नहीं। तो कैसे हैं वो, हैं किस तरह से हैं, कुछ कोई खोज खबर उनका? हाँ हाँ, बात कर रहा है। बात कर रहे हैं? हाँ। तो वो कैसे खाना होना कैसे खा रहे हैं वो? अरे सरकारी सब सही चल रहा है। तो देखिए, ये काम नहीं होने से जो यहाँ पे ईंट भट्टे बंद थे उनसे नुकसान का सबब जो है ये इतना हुआ इन्हें कि अब इन्हें लगता है कि बिल्कुल जो है किसी तरह से भोजन और पेट तो चला है, लेकिन जिस मकसद के साथ ये यहाँ आए थे कि कुछ पैसे कमाएंगे, उसमें से कुछ सेविंग करेंगे, घर परिवार को सुरक्षित करेंगे, सोशल सिक्योरिटी के लिए जो आए थे, उसका भारी नुकसान इन्हें बीते एक महीना में हुआ है। जो लॉकडाउन का अवधि था उसमें नुकसान इन्हें भी हुआ है, नुकसान पूरा व्यवसाय का भी हुआ है, और इस पूरे धंधे में अब इसको पनपने में भी वक्त लगेगा, क्योंकि जो रॉ मटेरियल्स हैं, जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन हैं, उसकी भी किल्लत आ रही है। बालू का इन्हें सप्लाई नहीं मिल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन जो है उसकी समस्या है। तो जाहिर तौर पे एक ऐसा प्लांट को शुरू करने की बात तो कह दी गई है, रियायत तो दे दी गई है, लेकिन अभी भी कई समस्याएं हैं जिसको अगर स्ट्रीमलाइन नहीं किया जाता है तो बिजनेस और अर्थव्यवस्था को पनपने में लंबा वक्त लग सकता है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची।